आरोग्य जागृति। दर्शकों, आरोग्य जागृति की टीम जो आज MIT हॉस्पिटल में आई है, हम देख रहे हैं कोरोना महामारी ने सबको भयभीत कर दिया है। इस कुछ अपने पॉइंट्स, कुछ मुद्दे हैं, हम डॉक्टर सुहास बाविकर जी इनसे बात करने वाले हैं। हमें पता है किडनी के ऊपर काफ़ी इनका अनुभव रहा है, काफ़ी ट्रांसप्लांट हुआ है और इनका काफ़ी दिनों से इस पूरे मराठवाड़े में उनका नाम है। दोस्तों, हम बताना चाह रहे कि कोरोना और किडनी, इससे क्या कनेक्शन होता है, क्या बीमारी बढ़ती है, हम इसी के ऊपर डॉक्टर सुहास बाविकर सर, जैसा आप नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, किडनी से काफ़ी आपका लगाव है, नज़दीकी है आपकी, आपने काफ़ी पेशेंट किए हैं। सर, कोरोना और किडनी का क्या कनेक्शन है, क्या ये हो इफ़ेक्ट होता है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत अच्छा सवाल है। तो ऐसा सोचिए कि 100 लोग समाज के कोरोना ग्रसित हो गए, इन्फेक्टेड हो गए, तो एज ए किडनी स्पेशलिस्ट मैं ऐसा बोलूँगा, मैं ऐसे ये 100 लोगों को क्लासीफाई करूँगा, 67 लोग जिनका किडनी सोलाने है और 33% लोग जो है वो हाई रिस्क फॉर किडनी डिसीज़ उसमें आते हैं, जो जिसमें हम लोग डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज़, पहले वाला किडनी डिसीज़, प्रेगनेंसी में BP बढ़े वाली लेडीज़, बच्चेपन में सूजे वाले बच्चे, पेन किलर गोलियाँ खाने वाले बुढ़े लोग जो ऑर्थोपेडिक्स हड्डी के बीमारियाँ रहती हैं उनको, ये लोग हाई रिस्क फॉर किडनी डिसीज़ गट में आते, तो उनको कोविड हो गया, तो जो 16 ने किडनी वाला है उसको हो गया तो उसमें फ़र्क रहेगा। तीसरा गट हम ऐसा करेंगे, ये 100 लोगों में 17% लोगों को किडनी का डिसीज़ ऑलरेडी रहता, मगर खाली उसमें का एक ही आदमी को मालूम रहता, 16 लोग ज्ञानी नहीं रहते, उसको मालूम ही नहीं रहता कि वो किडनी का बीमार है, मगर उसका टेस्ट नहीं किया वाला रहता। तो ये 16 लोग जो किडनी का डिसीज़ अभी कैरी कर रहे और उनको मालूम नहीं है, वो हाई रिस्क ग्रुप में आ जाते। तो और दो ग्रुप जो है वो है डायलिसिस चालू है जिसका, 1% जो लोग बोल रहा हूँ मैं, उसमें जो डायलिसिस पे है वो, और जिसका ट्रांसप्लांट हो चुका वो, ये दो गट जो है वो ज़्यादा रिस्क रहता, क्योंकि वो लोगों का इम्यून सिस्टम डिप्रेशन में रहता, डिप्रेस हो जाता। तो हम लोगों को एज ए किडनी स्पेशलिस्ट ये पेशेंट देख के तय करना चाहिए, एज ए डॉक्टर मैं डॉक्टर्स को बोलूँगा ऐसा, कि किडनी स्टेटस ऑन द डे ऑफ एडमिशन, 1 महीना पहले का और 8 दिन बाद का, ये 3 स्टेटस डिफाइन करेंगे कि वायरस 16 ने किडनी वाले पेशेंट को इंज्योर किया है, या वायरस CKD जो अभी डायलिसिस पे नहीं है उसको इन्फेक्ट किया है, या CKD डायलिसिस पे है उसको इन्फेक्ट किया है, या नया किडनी डाले वाला ट्रांसप्लांट है, किडनी 16 ने चल रहा है अभी मगर उसको इन्फेक्ट किया है, तो इलाज अलग अलग रहेगा, ये बात हम लोगों को ध्यान में लेना चाहिए। अब इस डायलिसिस में हम लोगों ने इधर कोविड यूनिट चलाया था MIT में, तो उसमें हम लोगों ने 30 पेशेंट्स का डायलिसिस किया, 30 पेशेंट के तकरीबन 100 डायलिसिस किए, तो उसमें ये जो 30 पेशेंट्स है उसमें 2 मेन गट थे, जिसमें इन्फेक्शन हुआ उस दिन किडनी 16 ने था, मगर विद टाइम इन्फेक्शन फैल गया, लंग्स में निमोनिया हो गया, वेंटिलेटर पे आ गया, तो उसका किडनी भी असर हुआ, उसको बोलते हैं हम एक्यूट किडनी इंजुरी। तो एक्यूट किडनी इंजुरी वाले जो लोग हैं वो, और जिसको ऑलरेडी किडनी का बीमारी है उसको इन्फेक्शन हो गया, तो CKD वाले, ऐसे 2 गट के हमने डायलिसिस किए, तो इनमें मरने का चांस AKI वाले को ज़्यादा है, क्योंकि एक्यूट किडनी इंजुरी कोविड डिसीज़ में एक ही अवयव का बीमारी न रहते हुए वो सब पूरे बॉडी के ऑर्गन्स को टच किया वाला रहता, उसके फेफड़े गए वाले रहते, उसके हार्ट पे असर रहता, उसके आतड़ियों पे असर रहता, उसके किडनी की इंजुरी रहता, तो ये सब मल्टी ऑर्गन फेल्यूर के वजह से वो CKD डायलिसिस वाले को ज़्यादा खतरनाक रहता, तो वो उसके तरफ ज़्यादा डायलिसिस करते हम लोग। CKD वाले को समझ लो हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करेंगे, तो AKI वाले को रोज़ डायलिसिस करेंगे तो वो बचेगा। तो मॉर्टेलिटी हमारे यहाँ का
50% लोग AKI वाले घर को गए, 50% डेड हो गए। हमारे जो 30 पेशेंट्स थे उस पर 8-9 लोग, 50% लोग डेड हो गए, 50% लोग किडनी सुधार के घर को चले गए। CKD में जिसको ऑलरेडी किडनी का बीमारी है वो कम खतरनाक रहता, तो उसमें 80% लोग घर को गए, 20% लोग वो भी मौत के मुंह में गए। ट्रांसप्लांट में हमारे पास अभी तक 10 ट्रांसप्लांट पेशेंट्स एडमिट होके कोविड की वजह से छुट्टी होके गए। तो ट्रांसप्लांट का हम लोग मैनेज ऐसा करते हैं कि उसका इम्यून सप्रेशन का जो ड्रग्स है वो एकदम 8-9 ला के छोड़ते हैं, उसको एक ड्रग निकाल लेते हैं जिसमें का, और उसका एंटीवायरल डोज जो है दवा वो फुल लोड करते हैं उसको। तो ये रेजिम से और किडनी संभालने के हिसाब से हम लोग किडनी को विषारी न होने वाली दवाएं देने की वजह से ऑलमोस्ट सब ट्रांसप्लांट्स लोग जिसको कोविड हुआ है वो घर को गए हैं। डॉक्टर साहब, कोरोना 2 पेशेंट को होता है, एक पेशेंट घर जाता है और दूसरा पेशेंट डेथ होती है, इसका क्या रीज़न है? एक पेशेंट में क्या ऐसा कमी है क्या वो उसे झेल नहीं पाया, और जो पेशेंट अच्छा होके गया है उसका क्या रीज़न होता है? सर, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि कोरोना के बारे में 6 वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स यानि सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशंस। तो पहला वेरिएबल है डोज ऑफ वायरस, कितना वायरल पार्टिकल्स आपके फेफड़े में गया, वो तय करेगा कि कोई घर जाएगा या कोई मर जाएगा। किसी, समझ लो किसी को 1,00,000 वायरस उसके फेफड़े में गया जंतु, और किसी के दूसरे के 10 वायरस जंतु फेफड़े में गए, तो 10 वाला घर को जाएगा, 1,00,000 वाला सीरियस हो जाएगा। ये हो गया डोज ऑफ वायरस। दूसरा वेरिएबल है इम्यून स्टेटस ऑफ द पर्सन, मतलब उसका इम्यूनिटी जिसके अंदर वायरस घुस रहा है। तो ये इम्यून स्टेटस अलग अलग आदमी का अलग अलग रहता है। तो वायरस सेम है मगर इम्यून स्टेटस अलग है। मिसाल के तौर पे अगर 2 डायबिटिक्स जिसको वायरस ने घेर लिया, सेम अमाउंट ऑफ वायरस उसके बॉडी में गए, तो एक डायबिटिक घर को जाएगा, एक डायबिटिस मर जाएगा। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है क्योंकि जो मरने वाला डायबिटिस है उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा बूढ़ा होता है, वो वायरस को झेल नहीं सकता। ये एक मिलिट्री के जैसा है, वायरस एक दुश्मन है और तुम्हारा डिफेंसिव सैनिक मिलिट्री जो है वो बूढ़ी है समझ लो, तो वो तुम फेल हो जाओगे। तो ये इम्यून स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल ये तय करता है कि कौन घर जाएगा कौन मर जाएगा। तीसरा वेरिएबल है तुमने खुद को वैक्सीनेट किया हुआ है क्या। वैक्सीन के पहले अगर वायरस बॉडी में घुसता है तो अलग असर आएगा। वैक्सीन पूरा डोज हो गया, उसका एंटीबॉडी तैयार कर दिया तुमने, और बाद में वायरस बॉडी में घुस गया, तो रिजल्ट कौन से टाइम में तुमने कौन सी दवा ली, क्योंकि वायरस मारने की परमानेंट उसको ख़त्म करने की तो दवा है नहीं अभी, मगर वायरस का नंबर बढ़ाने का रोकने की दवा है। ये जो रेमडेसिविर है, फेविपिरावीर है, मोलनुपिरावीर नाम का नया दवा आया है, आइवरमेक्टिन है, ये जो दवाएं हैं वो वायरस का नंबर बढ़ने नहीं देते, मगर जो वायरस बॉडी में है तुम्हारे उसको वो मार नहीं सकते। तो उसको मारने के लिए तुम्हारा इम्यून सिस्टम ही काम में आएगा। खाली वो नंबर बढ़ने देने की वजह से पेशेंट जल्दी अच्छा हो जाता है, इम्यून सिस्टम को मौका मिलता है। अगर तादाद में ज़्यादा वायरस मल्टीप्लाई हो गया तुम्हारा दवा नहीं मिलने से, तो इम्यून सिस्टम को एक दुश्मन के बजाय 100 दुश्मन को झेलना पड़ेगा, इसके लिए वो दवा कितना जल्दी मिलेगा वो तय करेगा। पाँचवा वेरिएबल है तुम्हारा वायरल डोज, तुम्हारा इम्यून सिस्टम, तुम्हारी दवा और वैक्सीन, इसका टाइम फैक्टर। तो कौन से ये जो वेरिएबल्स है वो कौन से टाइम में काम में आ रहे हैं एक इंडिविजुअल केस में। और छठा वेरिएबल है तुम्हारे सिचुएशन में, तो वो है वायरस आजकल उसका रंग बदल रहा है, म्यूटेशन बोलते हैं इसको। तो आज वायरस समझ लो उसका जो जेनेटिक कोड है वो X है,
तो उसका अपना बॉडी का मिलिट्री वो एक्स के लिए डिफेंस तैयार करता है, तो वायरस अंदर अंदर वाई बन जाता है। जैसा एचआईवी के बारे में होता है, तो एचआईवी अभी तक कंट्रोल में नहीं ला सका इसीलिए क्योंकि वो वायरस जेनेटिक कोड चेंज करता है। तो वैसा ही ये कोरोना वायरस है, वो इतना ख़तरनाक है कि जो देश में जा रहा है वो देश में बदल के आ रहा है, और वो बदलने वाले म्यूटेशंस जो है वो स्प्रेड हो रहे। तो अभी यूके का म्यूटेशन है, ब्राज़ील का है, अफ्रीकन है, पहला वाला वुहान वायरस का जो म्यूटेशन था, वो जो वायरस था उसके लिए अपन ने वैक्सीन बना दिए, मगर ये नए जो म्यूटेशंस है उसका असर वैक्सीन पे क्या इंट्रैक्शन होएगा, ये सब वेरिएबल्स हैं। तो ये 6 वेरिएबल्स तय करते हैं कौन घर जाएगा और कौन मर जाएगा। डॉक्टर साहब, कोविड से जो 50% लोग मर गए हैं और जो अच्छे होके गए हैं, तो उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। तो आज के तारीख में जो कोविड से कोई पेशेंट एडमिट हो गया आईसीयू में, ऑक्सीजन लग रहा है, वेंटिलेटर पे है या रूम एयर पे है, तो साइंस ये तय कर सकता है डे वन को कि कौन सा मरने वाला है और कौन सा घर जाने वाला है। तो ये कैसा कर सकते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं, डे ज़ीरो को उसके इन्फ्लेमेशन मार्कर्स बोलते हैं आजकल, जो खुद की तुम्हारी इम्यून सिस्टम, वो वायरस का जो रिस्पॉन्स रहता है इम्यून सिस्टम का वायरस को मारने के लिए, तो वो रिस्पॉन्स कंट्रोल नहीं रहता। बेसिक इश्यू क्या है कि ये वायरस देखा हुआ नहीं रहता इम्यून सिस्टम ने, तो इसके लिए इम्यून सिस्टम को मालूम नहीं पड़ता कि कितना उसको मारना है, कितना मिलिट्री जमा करना है। तो इम्यून सिस्टम अपना गलत तरीके से एक्टिवेट हो जाता है, उसको बोलते इम्यून रिस्पॉन्स विच इज़ हाई, सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन जनरेट करता है वो। तो वायरस समझ लो घसे में है, तो खाली घसे में इम्यून सिस्टम ने मारना चाहिए, मगर वो पूरे बदन में बढ़ता है। तो इम्यून सिस्टम बढ़ने से उसका साइटोकाइंस बोलते हैं हम लोग, इम्यून पेशी जो है वो एक मॉलिक्यूल्स तैयार करते हैं जो बुखार लाता है या पेशेंट को फीवर इल वीक करता है उसको, ये सब साइटोकाइन इफेक्ट्स है इम्यून, ये वायरस की वजह से नहीं होता है। अपने को बुखार आना, वीकनेस मालूम होना, अपने को खाना बंद हो जाना, उल्टी होना, ये सब साइटोकाइन के इफ़ेक्ट्स हैं। साइटोकाइन यानी अपने इम्यून सिस्टम के मिलिट्री हथियार, बुलेट्स समझ लो उसके। तो वो बुलेट्स का नंबर इतना ज़्यादा हो जाता है, तो डे ज़ीरो हम लोग वो काउंट कर सकते हैं आजकल। 3 साइटोकाइंस में क्लिनिकली गिने जाते हैं, एक है इंटरल्यूकिन 1, दूसरा है TNF अल्फा, तीसरा है इंटरल्यूकिन 6। तो ये 3 साइटोकाइंस जो कि मेजर किए जा सकते हैं आज के तारीख में। तो डे ज़ीरो को समझ लो वो 1 रुपया है, और 48 आवर्स के बाद अगर वो 3 रुपया हो जाता है, 3 गुना ज़्यादा होता है ये मॉलिक्यूल्स, या 3 गुना से ज़्यादा बढ़ता है, तो वो बंदा इनवेरिएबली मरता है, क्योंकि उसका मतलब है कि उसका इम्यून सिस्टम डिसप्रोपोर्शनेटली ज़्यादा एक्टिवेट हो गया। और उसको काउंटर करने के लिए साइंस बहुत से खून बदलता है, हम साइटोसॉप चेंज करते हैं, प्लाज्मा फेरेसिस करते हैं, प्लाज्मा देते हैं, वो साइटोकाइंस निकालने के एंटीबॉडी टॉसिलिज़ुमैब देते हैं, ये सब भी, मगर ये एक आधे आग को बुझाने के लिए टमरेल से पानी डाले तो आग बुझती नहीं, वैसा है वो। कोशिश करता है साइंस, मगर आग इतनी ज़्यादा रहती है कि ये मेथड सब कम पड़ते हैं और इंसान मर जाता है। तो डे ज़ीरो साइटोकाइन लेवल्स, डे 3 साइटोकाइन लेवल्स अगर वो 3 गुना से ज़्यादा, 5 गुना 10 गुना बढ़ता है, तो समझ लेना वो मरने वाला है। और उसको ज़्यादा इंटेंसिवली उसको पेरीफेरी में छोटे दवा खाने में रुकाना, टाइम बर्बाद करना, ज़्यादा बहुत सीरियस होने के बाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहाँ डायलिसिस है, वेंटिलेटर है, वहाँ शिफ्ट करना, ये गलत तरीका है। अगर हम लोगों ने डे 0 और डे 3 पे साइटोकाइन लेवल्स गिनना हर जगह पे मुमकिन कर दिए, और जो मरने वाला है उसको खाली हायर सेंटर में शिफ्ट करना चालू कर दिए, तो मॉर्टेलिटी कम हो सकता है, ऐसा मेरा सोच है। दर्शकों, कोरोना महामारी, इसी के ऊपर डॉक्टर सुहास बाविकर सर ने काफ़ी हमें अच्छी जानकारी दी है। सबसे बड़ा जो अपने दिल में जो संभ्रम था, क्या कोरोना से पेशेंट नहीं मरता है, सभी का एक ही ये है कि उपचार वक्त पे मिलना ज़रूरी है, और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ही उपचार लेना
ये इसकी वजह ये है क्या, हाई रिस्क पेशेंट जो होते हैं इन्हें वक्त पे ही डॉक्टर मिलता है, तो कोरोना से डरना भी चाहिए, उसके ऊपर उपचार अवश्य लेना चाहिए और अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर से लेना चाहिए। धन्यवाद। जागृति।